नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ काजल राघवानी। कुछ एक ऐसे चमन चुतिए हैं जिनके कारण भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी कलाकार बदनाम है। जी आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में काजल राघवानी जो कि अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी एक बच्ची के साथ, और पोस्ट में बाखूबी काजल राघवानी लिखी थी, लक्ष्मी बिटिया मूवी के शूट के समय पर मुझे एक परी मिली जो कि 15 दिन की है, बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इस बच्चे को जरूर दे, ब्लेस यू बच्चा, लिख ले बड़ी काजल राघवानी। लेकिन कुछ ऐसे लोग है जो कि इतने गंदे मानसिकता के हैं कि कमेंट बॉक्स में ये लिखने लगे कि क्या ये खेसारी भैया की बेटी है, क्या ये खेसारी भैया का लड़का है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में 2-3 दिखा रहा हूं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा काजल राघवानी के बारे में कमेंट में इतने गंदे गंदे शब्द यूज किए, इतने गंदे गंदे बात लिखे, कुछ कॉमेंट को मैं दिखा भी नहीं सकता स्क्रीनशॉट पर। ऐसे चमन चुतिए इंडस्ट्री में भर चुके हैं जिनके कारण आज भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी स्टार बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग जरूर ही सबक सिखाइए, जाइए कमेंट बॉक्स में और इनको रिप्लाई देके इनकी गंदी मानसिकता को आप लोग साफ कीजिए। ऐसे ऐसे लोग जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भर चुके। मैं भी आज काजल राघवानी जी का आईडी खोला, लाइक किया, शेयर किया, तभी मैं कमेंट पढ़ रहा तो देखा कि ऐसे ऐसे लोग भी भरे हुए हैं मानसिकता, गंदी मानसिकता के, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक दीमक का काम करेंगे और धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री को खोखला कर देंगे। तो आप लोग ऐसे लोगों को जरूर ही सबक सिखाइए। फिलहाल में आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बच्ची को खूब सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए। अभी आपको बता दूं कि काजल राघवानी जो कि लक्ष्मी बिटिया फिल्म की शूट कर रही है, और साथ ही साथ काजल राघवानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी का एक बड़ा ही सुंदर राखी का सॉन्ग रिलीज हुआ है। नहीं देखे आप लोग तो जरूर ही देखिए काजल राघवानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मिलते अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।